पहले से कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के आठों प्रत्याशी जीतेंगे। आज राज्यसभा के हमारे आठों प्रत्याशी जीते हैं। मैं सभी जीतने वाले प्रत्याशियों को बधाई देता हूं और जिन लोगों के वोट से जीते हैं उनका धन्यवाद करता हूं। और समाजवादी पार्टी के भी श्री अखिलेश यादव जी की पार्टी के भी दो प्रत्याशी जीते हैं, तो अखिलेश यादव जी को बधाई है। एक उनका प्रत्याशी हारा है, उनको लड़ाना नहीं चाहिए था, लड़ाए हैं तो हारना तय था, लेकिन उन्होंने लड़ाया है। लेकिन भाजपा की विजय यात्रा जो राज्यसभा से जारी हुई है वो लोकसभा और लोकसभा के बाद विधानसभा, विधानसभा के बाद लोकसभा, लोकसभा के बाद फिर विधानसभा चलती रही। तो हम कह सकते हैं कि जो आप लोग सुनिश्चित मान रहे थे पहले से जीत, आज उसको पूरी तरीके से, हाँ निश्चित तौर से जो हम लोग मान रहे थे वह परिणाम आज सामने आया है। इस पर हम खुशी जाहिर करते हैं, सभी कार्यकर्ताओं को बधाई देते हैं, सभी माननीय विधायकों को बधाई देते हैं, पार्टी के संपूर्ण जो पदाधिकारी गण हैं उनको बधाई देते हैं, और जो प्रत्याशी जीते हैं सांसद बन गए हैं अब राज्यसभा के उन सबको भी। विपक्ष के लिए भी कुछ कहेंगे कि मतलब हताशा तो होगी, लेकिन देखिए विपक्ष हताश निराश उदास है, वो अपने कर्मों के कारण से हताश उदास निराश है। मैं कहा हूं कि चलनी में दूध दुहे और भाजपा को दोष दें, आज कांग्रेस सपा की यही आदत हो गई। अगर सपा ने अपनी पार्टी को एकजुट रखने में विफल रही है तो ये सपा की कमियां है, भाजपा की कमियां नहीं है। कांग्रेस अगर अपने सरकार वाले राज्य में हार गई और भाजपा के वहां राज्यसभा सांसद जीत गए तो यह निश्चित तौर से सपा और कांग्रेस दोनों अपने दलों को संभाल नहीं पा रहे हैं, अपने विधायकों को संभाल नहीं पा रहे हैं, और इसके कारण इनकी पराजय हुई है। और भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत है, इसके लिए हार्दिक बधाई, धन्यवाद।